नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल में एंट्री करनी है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। देश में कोविड 19 मामले में बढ़ोतरी के बीच हिमाचल प्रदेश ने रविवार को 16 अप्रैल से 7 अधिकतम कोरोना मामले वाले राज्यों से आने वाले लोगों को प्रवेश के लिए 72 घंटों के भीतर कराए गए RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। अधिकतम मामले वाले राज्य यानी पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा अभी के लिए राज्य सरकार ने पर्यटकों को राज्य में आने की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही होटल मालिकों और पर्यटकों के को सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की प्रभावी निगरानी के साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की राजनीतिक पर जोर देने हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 70% परीक्षणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए RT-PCR परीक्षणों पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को पूरा करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भी बिस्तर भी क्षमता बढ़ाने की के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इसके अलावा ये टीका का न्यूनतम अपव्यय सुनिश्चित करना चाहिए। पिछले 45 दिनों के दौरान राज्य ने कोरोना के लिए कुल 10,690 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 120 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बसों और सार्वजनिक वाहनों में अधिक भीड़ नहीं होनी दी जानी चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के एक प्रमुख एंटीवायरस इंजेक्शन रेमडेसिविर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर 72 घंटों के भीतर प्राप्त RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट के बिना पहुंचने वाले की जांच की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन में रखने के साथ ही क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा जाएगा।